हेलो टू एवरी वन आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिमन्यु आई एस प्लेटफॉर्म एंड टूडे वी आर गोइंग टू कवर द फोर्थ वीक ऑफ ऑगस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक लेट्स बिगिन विद दिस सेशन सो आज का जो पहला न्यूज है दैट इज अ सिंपल एक छोटा सा न्यूज है आपके प्रलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि एक ट्वेल्व मेंबर हाई पावर्ड कमेटी जो है फॉर रिवाइवल एंड रिस्टोरेशन ऑफ आर्किटेक्चुरल हेरिटेज इंक्लूडिंग टेम्पल्स एंड श्राइन्स इन द यूनियन टेरिटरी सो ऑब्वियसली बारह मेंबर एक हाई पावर्ड कमेटी को सेटअप किया गया है ताकि जितने भी टेम्पल्स हैं हेरिटेज टेम्पल्स हैं जैसे कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक टेम्पल्स के नाम हैं यहाँ पे मरतान सन टेम्पल हो गया कॉम्प्लेक्स देन नारायण नाग टेम्पल कॉम्प्लेक्स है अवंती सुमन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है देन सुगंधवेश्वरा टेम्पल है दे आर एक्चुअली इन अ बैड शिप So, ये इनका जो है काफी ज्यादा डैमेज डिस्ट्रक्शन हुआ है तो इनको दोबारा से रिवाइव करना है रिस्टोर करना है और कैसे करना है किस हिसाब से ये सब चीजें करनी है इसके लिए ट्वेल्व मेंबर कमेटी जो है वो सेटअप की गई है अंडरस्टैंड ठीक है तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है इंपॉर्टेंट हो सकता है, है, है. So, है, है कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, वैली? और इस तरीके से विच ऑफ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है आपके प्रिलम्स के हिसाब से ठीक है सो ये पर्टिकुलर जो आ, आ, कमिटी है ये इसको जो है इसका काम बेसिकली इसका काम है कोऑर्डिनेट करना और इंप्लीमेंट करना चीजों को इंप्लीमेंट करना फॉर अप्रूविंग द एक्शन प्लान फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स जैसे रिवाइवल रिस्टोरेशन प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ आर्किटेक्चरल एंड हेरिटेज इन जम्मू कश्मीर तो इसका ये एक ब्रॉडर एक कॉम्प्रिहेंसिव काम है जो इस कमेटी ने करना है दैट्स इट इससे ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं ठीक है इसके अलावा हम लोग अभी एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा एक एवरग्रीन टॉपिक है जब से इंडिया में इंटरनेट का रेवोल्यूशन आया है डिजिटलाइजेशन आया है स्मार्टफोन एक हब बना है इंडिया और जब से जिसे कहते हैं ना इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी हो हु, हुई है काफी लोगों को काफी ज्यादा उस आ, उसी का एक कॉन्सिक्वेंस ये है कि इंटरनेट का अब शटडाउन जो है ये इंस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं ठीक है सो so, ये इंस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं आपको इसके ऊपर डेफिनेटली डेफिनेटली इसके ऊपर कंटेंट पकड़ना बहुत जरूरी है ठीक है ये आपका जीएस मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत तरीके से हम लोग कवर करते हैं जैसे कि जनवरी 2020 की बात चल रही है जनवरी 2020 की बात है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत ही क्लियरली स्टेट कर दिया क्लियरली ये बता दिया कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन

Uh, कश्मीर वैली में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ा है बिकॉज़ ऑफ़ इंटरनेट शटडाउन ठीक है जब से वो uh, जो आर्टिकल uh, 370 उसको स्क्रैप किया गया है तब से इंटरनेट शटडाउन था वहां पे तो इस वजह से अल्टीमेटली केस uh, चल रहा था और केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक दे दी थी ये वर्डिक दी थी स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ अनुराधा बासन वर्सन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तो ये जरूर आपने याद रखना है वेर कोर्ट क्लियरली ऑन इंटरनेट एक्सेस बाय द गवर्नमेंट मस्ट बी टेम्प्री टेम्पररी होना चाहिए लिमिटेड इन स्कोप होना चाहिए लॉफुल होना चाहिए और नेसेसरी होना चाहिए और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए ठीक है प्रोपोर्शन होना चाहिए ठीक है तो यही एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस केस के बाद इस स्टेटमेंट uh, के बाद गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की कुछ uh, जो होगा कुछ इंस्टेंसेस लिमिट हो जाएंगे ठीक है इंटरनेट शटडाउन के ठीक है एंड दिस वुड ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सेप्शनल केसेस एक्सेप्शनल केसेस तब होते हैं जब पब्लिक इमरजेंसी हो जाए या पब्लिक सेफ्टी के लिए एक थ्रेट वाली सिचुएशन हो जाए तब ही इंटरनेट शटडाउन का इंस्टेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया ऐसा कुछ हो नहीं पाया और अभी रिसेंटली एक और रिपोर्ट्स आती रहती हैं तो उस रिपोर्ट्स के आ, डेटा के हिसाब से इंडियाज इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगभग लगभग काफ़ी ज़्यादा लॉस जो है इकोनॉमिक लॉस जो है वो देखना पड़ रहा है टू द ग्लोबल इकोनमी ऑल्सो एंड इंडिया रिमेन्स इन फेमस मतलब काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से बोला गया है नटोरियस वर्ल्ड इज द बेस्ट वर्ल्ड जहां पे इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना गया है इंडिया को क्योंकि एक तो बिलियंस में लॉस हो चुका है और दूसरी बात ये इंस्टेंसेस अभी लिमिट भी नहीं हो रहे हैं ये कंटिन्यू रह रहे हैं कहाँ कहाँ कंटिन्यू रह रहे हैं वो भी हम लोग बात करेंगे तो यू गॉट दिस पॉइंट कि इंटरनेट सुप्रीम कोर्ट का ये थॉट है सुप्रीम कोर्ट की ये स्टेटमेंट है किस केस के अंदर ये स्टेटमेंट है एक्सपेक्टेशन ये रखी गई लेकिन अभी भी कुछ बढ़िया कुछ हमें पिक्चर्स ठीक नहीं लग रही ग्लूमी पिक्चर है ग्लूमी पिक्चर है एज फार एज द इंटरनेट शट डाउन इज कंसर्न ठीक है कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लोग बात करें रिसेंट रिस्ट्रिक्शंस के तो देखो आपको पता है कि रिसेंटली क्या हुआ डेथ ऑफ हार्डलाइन सेपरेटस्ट लीडर सैयद अली शाह गिलानी तो इसकी डेथ के बाद जो है ये सारी चीज़ें काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड शटडाउन लगा दिया गया काफ़ी ज़्यादा एक्सेस टू मोबाइल डेटा जो है वो वैली के अंदर काफ़ी टाइम तक रखा गया बिकॉज ऑफ दिस थिंग ठीक है उसके अलावा दिल्ली और हरियाणा की बात करें तो यहां पर भी इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया था बिकॉज ऑफ़ फार्मर्स प्रोटेस्ट तो यू नो फार्मर्स प्रोटेस्ट काफ़ी टाइम से चल रहे हैं तो तब तक जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इंटरनेट के ऊपर रखी गई है मोबाइल डेटा के ऊपर रखी गई है तो ये तो रिसेंट इंसिडेंट्स हैं जो हुए हैं अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि एक्चुअली राशनाल क्या होता है इंटरनेट शटडाउन का कि अगर गवर्नमेंट इंटरनेट शटडाउन करती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक होता है क्या ता उसका जस्टिफिकेशन uh, होती है मेजरली ये ये पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट अपने आप को जस्टिफाई करती है जैसे फॉर एग्जाम्पल चेक द फेक न्यूज़ अब देखिए ये तो डेफिनेटली इट इज अ इट इज अ रूट कॉज ऑफ एनी कम्युनल वायलेंस इनफैक्ट जब भी आ, दो कम्युनिटी के बीच में बहुत सारे ऐसे कम्युनल वायलेंस जैसे आपने सुना होगा रैपिड एक्शन फोर्स आर रैपिड एक्शन फोर्स रैपिड एक्शन फोर्स का काम ही ये होता है कि राइट्स जब हो जाते हैं ना तो रॉइड्स को कंट्रोल करने का काम आर का होता है आर एक्चुअली एक स्पेशल विंग है सी की आपने सुना होगा सी ठीक है सीआरपीएफ एक्चुअली में काफी एक्टिव है वैली के अंदर कश्मीर वैली के अंदर सीआरपीएफ भी आ, वहां पे काम करती है तो रैपिड एक्शन फोर्स का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ये था कि मेजॉरिटी मतलब 95 परसेंट जो दंगे फसाद होते हैं उसका रीजन यही होता है कि लोगों के पास फेक न्यूज़ जो है वो पहुंची होती है मिस इंफॉर्मेशन जो है उनको मिली होती है इसीलिए वो भड़के होते हैं तो अगर उस जगह पे अगर वो इंफॉर्मेशन का जो जरिया है उसको कट कर दिया जाए तो वो दंगे फसाद होना ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं और हम दोनों कम्युनिटीज से जब बातचीत करते हैं तो तब रियलाइज होता है इट इज़ जस्ट द फेक न्यूज़ जिसने ये सारी चीज़ें की होती है तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो रूमर्स हो गए फेक न्यूज हो गए इनको कम करने के लिए इंटरनेट देखिए व्हाट्सएप मैसेजेस हो गया फेसबुक मैसेजेस हो गया उनके द्वारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ फैलती है ठीक है so, सो हम जो है इस रूमर्स और फेक न्यूज़ को कम करने के लिए ब्लॉक करने के लिए इंटरनेट शटडाउन जो है किया जाता है और विच इज़ अ गुड स्टेप हाँ ये करना भी ज़रूरी होता है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि कोई सिविल अनरेस्ट दोबारा ना हो राइट right? उसके बाद इट इज ऑल्सो अ टूल टू वेरीफाई रूमर्स एंड अनेबल्स इंडिविजुअल गवर्नमेंट टू डिमिनेट द ट्रूथ ऑबियसली जैसे रैपिड एक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं अब रैपिड एक्शन फोर्स इज ऑल्सो गवर्नमेंट है ना गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट की एजेंसी तो वो लोग जब जाते हैं तो सबसे पहले इंटरनेट शट डाउन किया फिर उसके बाद दोनों कम्युनिटी से बात किया और फिर रियलाइज किया कि एक्चुअली टू वेरीफाई द रूमर्स जो रूमर्स फैले हुए हैं वो एक्चुअली सही हैं या गलत हैं तो आप जब तक ये न्यूज बंद नहीं करेंगे ये जरिया बंद नहीं करेंगे तब तक आपको ये सारी चीजें नहीं पता लगेंगी इसके अलावा प्रिवेंटिव रिस्पॉन्स की बात करते हैं देखिए ऑब्वियसली जब पता चल रहा है कि कहीं कि किसी जगह पे राइट्स ऑर्गेनाइज किए जाने वाले हैं ठीक है किसी जगह पे कुछ इशू होने वाला है तो उस जगह पे अगर इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाए और ये पता चले कि ये जो राइट्स हो रहे हैं ये लोगों को कैसे व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे जा रहे हैं इस तरीके से कैसे लोगों को बुलाया जा रहा है ये सब तरीके जो है उनका जरिया वो सोर्स को ब्लॉक कर दिया जाए तो इट वुड बी कंसीडर्ड टू बी अ प्रिवेंटिव रिस्पांस ठीक है प्रिवेंटिव बचा लेना प्रिवेंट कर लेना उस चीज को उस घटना को होने से पहले ठीक है सो so, सिंपली है कि अगर हम लोग इंटरनेट शट कर दिया जाता है तो काफी ज्यादा वो जो न्यूज़ फैलने वाली होती है वो रुक जाती है है ना उसके अलावा नेशनल इंटरेस्ट देखिए ऐसा है बहुत सिंपल सी चीज़ है कि इंटरनेट जो है वो अलग नहीं है इंटरनेट हमारी सोवरेंटी के अंदर ही आता है सोवरेंटी का मतलब है इंडिया इज़ अ सोवरन कंट्री दैट मीन्स इंडिया कैन टेक डिसीजन ऑन एनी जो उससे रिलेटेड है वो अपने नेशनल uh, इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए वो किसी भी चीज़ के ऊपर वो डिसीजन ले सकता है उसकी जो उसके ऊपर रेगुलेशन लगा सकता है रेगुलेशन लगा सकता है अगर रीजने इज अ रीजनेबल चॉइस ऑफ सोवर्न कंट्री बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट इसका मतलब यही होगा कि नेशनल इंटरेस्ट जब आती है बात तो उस टाइम पे इंटरनेट अलग नहीं हो सकता इंटरनेट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट सो इंटरनेट के ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है अगर जहां पे नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है और यही एक फीचर है सोवर्नटी का भी इंडिया इज अ सोवर्न कंट्री इसीलिए हम लोग इंटरनेट जो है उसके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई लगा सकते हैं ठीक है सो so, आपको मैंने ये रैशनल बता दिया इसके अलावा आ, हम बात करेंगे इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंटरनेट शटडाउन का देखिए एक इंपैक्ट तो हमने ये पढ़ लिया कि इकोनॉमिक इंपैक्ट है इकोनॉमिक इंपैक्ट है जिसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान इंडिया को हो जाता है देखिए एक एक रेवोल्यूशन जो है इंडिया में आया डिजिटल रेवोल्यूशन जिसमें स्मार्टफोन हब इंडिया को कहा जाता है इंडिया को क्या कहा जाता है स्मार्टफोन हब कहा जाता है है ना हम लोग ठीक है स्मार्टफोन हब हो गया उसके बाद इंटरनेट जो है वो अगर देखा जाए उसकी जो कॉस्टिंग है इंटरनेट कॉस्टिंग इंटरनेट की जो कॉस्टिंग है वो भी बहुत कम है इंडिया की एज इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज ठीक है सो so, इंडिया की एक्सेस इंटरनेट की जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी काफी दूर तक है आज अगर देखा जाए तो तो इस वजह से क्या होता है इस वजह से क्या होता है कि एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ता है अगर इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जाए जैसे इट क्रिएट अ ट्रस्ट डेफिसिट इट क्रिएट अ ट्रस्ट डेफिस डेफिसिट का मतलब क्या होता है देखिए लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग ठीक है आप हम लोग कितना ज्यादा डिपेंडेंट है इंटरनेट के ऊपर अगर एक घंटे के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो हम जो है वी आर नॉट इन इन अ गुड मूड है ना हमारा पता नहीं कितना हमें लगता है कि कितनी सारी इंफॉर्मेशन जो अभी हम लोग एक घंटे के अंदर कैप्चर नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस ये चीज़ है कि इंटरनेट जो है हमारी नेसेसिटी बन चुका है और एज रिस्ट्रिक्शन विदाउट पब्लिकली डिस्कलोज द रीजन क्रिएट अ ट्रस्ट डेफिसिट तो आप जब भी अथॉरिटीज जब भी इंटरनेट शटडाउन कर रही हैं तो अगर अथॉरिटीज़ ने प्रॉपरली मेंशन नहीं किया प्रॉपरली रीजनेबल जस्टिफाई नहीं किया कि हाँ इतना रिस्ट्रिक्शन लगने वाला है इतना शटडाउन होने वाला है तो ऑब्वियसली एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बनता जाता है कम्युनिटी और अथॉरिटीज़ के बीच में ठीक है जैसे 2020 की बात करें तो 2020 में गवर्नमेंट ने क्या किया अमेंड किया टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स टू 2017 के टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स 2017 के उसको अमेंड किया और ये कर दिया कि अब जो इंटरनेट सस्पेंशन ऑर्डर होगा वो मैक्सिमम 15 दिन के लिए हो सकता है कितने दिन के लिए 15 दिन के लिए बट इसमें एक क्लॉज ये भी था कि ये जो अमेंडमेंट थी इट डिड नॉट इंक्लूड एनी ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नमेंट मतलब 15 दिन से ज्यादा भी हो सकता है इट इज जस्ट अ क्लॉज कि 15 दिन तक होना चाहिए बट उससे ज्यादा भी हो सकता है ऑब्लिगेशन नहीं है to publish order and it did include the Supreme Court direction to undertake periodic review of these orders. ठीक है, so इसमें simple इतना change किया गया कि it amended the telecom suspension rule 2017 जिसमें 15 दिन तक का तो clause रख दिया गया, लेकिन उसमें obligation भी नहीं रखा government के ऊपर और ना ही सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट जिसमें बोला गया था कि आप जब भी इंटरनेट शटडाउन करते हैं तो उसमें प्रॉपर उसका पीयोडिक रिव्यू भी होना चाहिए कि कितने टाइम का शटडाउन है और क्यों उस शटडाउन को लगाया जा रहा है और क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहे हैं तो वो पीयॉर्डिक रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है बट इस चीज में ये जो अमेंडमेंट हुई इस चीज़ में ये चीज़ भी इंक्लूड नहीं थी इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया दो का है इंडियन इकोनॉमी सफर्ड लॉसेस टू ट्यून ऑफ 2.8 बिलियन डॉलर्स तो 8 बिलियन डॉलर्स का इन्होंने आ, सफर किया बिकॉज ऑफ इंटरनेट शटडाउन और ये जो इंस्टेंसेज थे वो लगभग 129 सेपरेट इंस्टेंसेज ऑफ इंटरनेट शटडाउन यू आर गोइंग टू सी इट राइट विच अफेक्टेड लगभग दस मिलियन इंडिविजुअल्स को इसने इम्पैक्ट किया है ठीक है अब इम्पैक्ट इसीलिए हुआ है बिकॉज इंटरनेट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट हेल्थ केयर एजुकेशन लाइवलीहुड प्लेटफॉर्म फॉर द मेम्बर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी टू इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड द वर्ल्ड एट लार्ज ठीक है सो हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट के साथ जो है वो एसोसिएटेड हैं और जब वो जरिया जो है हमारा शटडाउन होता है ब्लैंकेट बैन लग जाता है कि हाँ पता ही नहीं है कि कब आगे ठीक होगा सिचुएशन कब इंटरनेट चालू होगा तो उससे क्या है उससे एक एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है और साथ ही साथ इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ता है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी के अंदर बोला था ठीक है तो आप इसको बिल्कुल इसको ध्यान दीजिएगा ठीक है ओके नाउ okay. इसके अलावा और क्या इंपैक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर मैंने आपको बताया इंटरनेट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज एंटरटेनमेंट uh, हेल्थ के बारे में जानना है बिजनेस करना है सब कुछ है तो ओवरऑल जो है इंटरनेट जो है अगर बंद रहेगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट होगा होगा क्यों क्योंकि इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल सोशल जर्नलिस्टिक है ना ये कॉज्ड बाय सच सस्पेंशन आउटवे एनी स्पेक्यूलेटिव बेनिफिट ठीक है तो बेनिफिट uh, तो आगे जाके स्पेक्यूलेट किया जाता है कि देखो अगर इंटरनेट शटडाउन किया जाएगा तो फेक न्यूज़ नहीं फैलेगी है ना और उससे दंगे फसाद कम होना शुरू हो जाएगा लेकिन ये सारा स्पेक्यूलेटिव है वो क्या पता नहीं हो है ना इट इज़ नॉट मैंडेटरी और ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स की राय है कि इंटरनेट शुड बी द एक्सट्रीम स्टेप इसको एक्सट्रीम ये लास्ट स्टेप कंसिडर करना चाहिए इससे पहले के जितने भी स्टेप्स होने चाहिए वो कंसिडर कर लेने चाहिए इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हाँ लोगों का नुकसान भी ना हो और जो हम लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि दंगे रुक जाएंगे सिविल अनरेस्ट हो कम हो जाएगा तो वैसा स्पेक्यूलेशन करने की भी जरूरत ना पड़े है ना तो देखिए तो सस्पेंशन आउटवे एनी स्पेकुलेटिव तो इसका जो सस्पेंशन है वो ज्यादा इंपैक्टफुल है उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है देन वो स्पेकुलेटेड बेनिफिट का के कंपेरेटिवली अब इससे क्या होता है कि एमरजेंसी नॉट टू स्टिफल डेमोक्रेटिक एक्सरसाइजेस एंड प्रोटेस्ट इन दो इंटरनेट इज नेसेसिटी टू सीक हेल्प ठीक है तो कई बार क्या होता है दंगे फसाद हो रहे हैं कई बार हो रहा है प्रोटेस्ट हो रहा है अब कई बार ऐसा होता है कि वो इंटरनेट ही एक जरिया बनता है गवर्नमेंट के लिए या फिर आम जनता के लिए कि वो अपना मैसेज दूसरे के पास पहुंचा दे क्योंकि वो व्यक्ति जो है बहुत ही नीड में है बहुत ही फंसा हुआ है तो इंटरनेट ही तो वो जरिया बनेगा और कौन सा जरिया बनेगा है कि नहीं तो ऐसा है कि आ, जो हम लोग स्पेक्यूलेटिव बेनिफिट की बात करते हैं वो स्पेक्यूलेटिव है बट जो रियल मिलते बेनिफिट मिलते है एज इन कंपेरिजन टू स्पेलेटिव बेनिफिट उसके बाद वलनरेबल फ्रॉम द लोअर सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो इससे ज्यादा इफेक्ट होते हैं कैसे इफेक्ट होते हैं देखिए बड़ी सिंपल सी चीज है देखिए इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट बोलती है कि हम लोग ने इंटरनेट शटडाउन लगा दिया है वो केवल ये कहती है कि इट इज ओनली दे दैट इज ओनली लिमिटेड टू मोबाइल डेटा सर्विसेज मोबाइल डेटा सर्विसेज मतलब कि जैसे ब्रॉडबैंड है वहां पे आप इंटरनेट यूज कर सकते हो ठीक है तो मोबाइल डेटा जो मोबाइल में जो डेटा आप यूज करते हैं वहीं पे इंटरनेट शटडाउन जो है वो किया गया है राइट right? ये गवर्नमेंट का स्टैंड होता है लेकिन आप एक चीज सोचिए कि ये जो मोबाइल डेटा एक्सेस करने वाले जो लोग हैं जनता है वो कितनी है एज इन कंपेरिजन टू ब्रॉडबैंड वो है नाइन्टी ठीक है तो जितने भी टोटल इंटरनेट यूजर्स होते हैं उसमें 97.02 परसेंट कौन है हमारी मोबाइल डेटा यूज करने वाली जनता है इतनी ज्यादा तो ब्रॉडबैंड तो केवल थ्री परसेंट यूजर्स ही यूज कर रहे हैं तो अगर ये चलेगा और ये बंद रहेगा तो ऑब्वियस ही चीज़ यहाँ पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा कि आप सिर्फ मोबाइल डेटा ही शट डाउन कर रहे हो ऐसा नहीं हो आप इंटरनेट आप तीन प्रतिशत लोगों को इम्पैक्ट नहीं हो रहा बाकी नाइनटी सेवन तो प्रतिशत लोग इम्पैक्टफुल ही रह रहे हैं ना तो ये एक मेजर कम्युनिटी है इंटरनेट की ठीक है आप इसको बंद कर रहे हो दैट मीन्स आप मेजर डिसीजन ले रहे हो इंटरनेट शट डाउन का माइनर डिसीजन नहीं है ठीक है इसके अलावा आ, ये कुछ 2019 की ट्राई रिपोर्ट है ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसने बोला था कि मोबाइल जो डेटा यूजर्स हैं वो 97.02 ऑफ़ टोटल इंटरनेट यूजर्स हैं। तो देखिए ये जो डेटा uh, होता है ना ये जो गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का डेटाज है इनको अगर आप लिखते हैं आप जो भी पॉइंट्स अपना लिखते हैं एंड यू आर जस्टिफाइंग विद द गवर्नमेंट डेटा ऑफिशियल डेटा एनी एनी डेटा दैट इज दैट इज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो डेफिनेटली आप सेग्रीगेट कर रहे हो आप अपना जो पॉइंट है उसको आ, उसको बहुत तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर ठीक है तो आप एक जनरल लाइन लिख रहे हो कि 97.02 परसेंट ऑफ टोटल इंटरनेट यूजर्स आर देयर इन इंडिया ठीक है ठीक है जो मोबाइल डेटा वाले हैं तो अगर आपने ये जनरल लाइन लिख दी और एक स्टूडेंट है जिसने ये लिख दिया कि 97.02 परसेंट ऑफ टोटल इंटरनेट यूजर्स आर मोबाइल डेटा यूजर्स अकॉर्डिंग टू दी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो वो जो स्टूडेंट होगा उसको डेफिनेटली ही वुड बी एबल टू फेच बेटर मार्क्स इन एज इन कंपेरिजन टू जो पिछले वाला स्टूडेंट है, है ना तो ये डेटा आपका आपके पास होना चाहिए ठीक है अब दीज नंबर्स आर नॉट लाइकली टू तो हैव हाँ चेंज सिग्निफिकेंटली ऑब्वियसली ब्रॉडबैंड जो होता है वो ऐसा होता है इंटरनेट शटडाउन ब्रॉडबैंड इज समथिंग विच इज विच इज़ मोर एक्सपेंसिव इन एज इन कम्पेरिजन टू मोबाइल डेटा जो हमें पता भी है ठीक है सो ऑब्वियसली जो मोबाइल डेटा यूजर है वो कौन है वो वही है बंदा जो थोड़ा सा सोशो इकोनॉमिक सेक्टर से लोअर सोशो इकोनॉमिक रीजन से आता है जो वल्नरेबल है वही है ना वही बंदा जो है वो यूज कर रहा है वो मोबाइल डेटा इक्कीस रुपये ग्यारह रुपये पचास रुपये का मोबाइल डेटा करवा लिया तो उसको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उसको कैसा इफेक्ट पड़ेगा क्या पता वो इंटरनेट से अपना बिज़नेस चलाता हो थोड़ा बहुत जो भी बिज़नेस चला रहा है क्या पता वो वहाँ से नॉलेज गेन करता हो पढ़ाई करता हो आ, अपने दोस्तों के साथ कम व्हाट्सएप मैसेजेस करता हो है ना अपने पेरेंट्स के साथ एसोसिएटेड हो है ना एसोसिएटेड मतलब उस वो कहीं पर है उसके पेरेंट्स है तो व्हाट्सएप से बात करते हैं वीडियो कॉल से बात करते हैं तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक सोशल इम्पैक्ट जो है किसके ऊपर पड़ेगा वल्नरेबल के ऊपर पड़ेगा ठीक है तो अगर आपको कोई डाउट इंक्वायरी कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ आती या आप चाहते हैं कि uh, कुछ अलग इस सेशन के अंदर किया जाए तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हम लोग जो है करंट अफेयर्स जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक हर स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स आपके सामने लाते हैं ताकि जो देखिए ये ग्रे एरियाज है ये क्या है ग्रे एरिया ग्रे एरिया क्या होता है ग्रे एरिया वो ए, वो चीज़ होती है जिससे आपकी मेरिट बनती है मेरिट मतलब कि आपका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में आता है देखो पेपर जो है बहुत कम लोग क्वालिफाई करते हैं लेकिन हाँ पेपर क्वालिफाई करना ही ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए आपका आ, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मेरिट लिस्ट में नाम मेरिट लिस्ट में नाम तब आता है जब आप ये जो ग्रे एरियाज होते हैं ना ये जो कोने होते हैं वो पकड़ के रखते हैं और उनको उनके ऊपर भी कमांड रखते हैं देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है जो मैं आपको एक सेकंड में अभी बताता हूँ कि हर स्टूडेंट जो है वो फोर्टी से फिफ्टी जंप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगाएगा तीन से चार महीने लगा देगा चार से पाँच महीने लगा देगा कि उस बच्चे के फोर्टी परसेंट मार्क्स आते हैं मैं बता रहा हूँ स्टेट सिविल्स में या यू पी एस सी सिविल्स यू पी एस सी एग्ज़ाम्स में कि फोर्टी परसेंट स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं फोर्टी से फिफ्टी परसेंट जाने में वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा ठीक है बट यहां पे 50% परसेंट गेन करके आप मेरिट लिस्ट में नाम नहीं ले सकते आपको मेरिट लिस्ट में नाम अगर लेना है अगर लेना है तो आपको 50 से 55% परसेंट तक पहुंचना पड़ेगा और 55 से 60 परसेंट तक पहुंचना पड़ेगा दैट्स इट 60 परसेंट आपने स्कोर कर लिया आपने किसी भी एग्जाम्स के अंदर मतलब स्टेट सिविल सर्विसेज के अंदर यूपीएससी के अंदर यू आर इन द मेरिट लिस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट तो यहां से यहां तक पहुंचना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है यहां से यहां पहुंचना सबसे टफ है और यहां से यहां पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको जो कॉर्नर्स हैं आपको जो एजेस हैं, उनको पकड़ना पड़ेगा और हम लोग इस सेशन के अंदर वही कॉर्नर वही एजेस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं ये इंटरनेट शटडाउन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ठीक है अब देखिए वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो मेजर्स की बात करते हैं ठीक है हमने इम्पैक्ट पढ़ लिया हमने राशनाल पढ़ लिया हमने इंटरनेट शटडाउन के रीसेंट इंस्टेंसेस पढ़ लिए और इंटरनेट इंटरनेट शटडाउन का थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट वर्ड एक्सपेक्टेशन ये सब पढ़ ली अब हम लोग पढ़ेंगे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है वे फॉरवर्ड में देखिए सिंपल सी चीज है हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना पड़ेगा ऑब्वियसली मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्पेक्यूलेटिव uh, बेनिफिट हम लोग स्पेक्यूलेट करते हैं कि ये ये बेनिफिट मिलेंगे ठीक है बट एक्चुअल जो उसका इंपैक्ट पड़ता है वो काफी ज्यादा होता है आउटवे कर देता है जो स्पेक्यूलेटिव बेनिफिट होते हैं ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की जरूरत पड़ेगी जब भी गवर्नमेंट इसको लगाएगी ठीक है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द इंपैक्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन ठीक है उसके अलावा देखिए नेटवर्क डिस्ट्रप्शन से क्या हो सकता है प्रोडक्टिविटी को हिंडर हो सकता है एडवर्सली इम्पैक्ट द बिजनेस जो हमने बात की थी उसके अलावा इट कैन बी डेट्रीमेंटल टू बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो ठीक है कि इस जगह पे इंटरनेट शटडाउन ही रहता है बहुत बार रहता है तो यार बिजनेस इन्वेस्टर भी तो क्यों इधर इन्वेस्टमेंट करने की सोचेगा शॉर्ट टर्म में नहीं करेगा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा है ना ओके okay. इसके अलावा वॉच डॉग फंक्शन देखिए गवर्नमेंट uh, तो अपने हिसाब से काम करेगी गवर्नमेंट ने एक अपना ही मकैनिज़म लेकर आना चाहिए कि हाँ एक बॉडी सेटअप कर देनी चाहिए जो कि क्या करेगी जब भी ये इंटरनेट शटडाउन की बारी आएगी तो वो एक प्रॉपर उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लगाए और सारी चीज़ें करें इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि उससे एडवर्स इफेक्ट ना पड़े बट एक वॉच डॉग जो है हमारे को चाहिए ही चाहिए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का भी तो सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट जो होते हैं वो भी यहाँ पे आगे आए और बाकी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे गवर्नमेंट है उनकी जो एजेंसीज हैं उनके साथ मिलके ठीक है इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन को देखें और shutdown, की रोल फॉर गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी अबाउट द इंटरनेट शटडाउन की इन सिविल जो कम्युनिटी के एक्टिविस्ट हैं बाकी जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे इकट्ठे होके मेक श्योर sure करे कि गवर्नमेंट जो भी कर रही है इंटरनेट शटडाउन उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे उसमें अकाउंटेबिलिटी रहे और उसमें मेक श्योर sure करे कि गवर्नमेंट अपना रैशनल भी बताए कि हमने इस जगह पे इतना टाइम इंटरनेट शटडाउन लगाया तो वो क्यों लगाया समझ आ गया तो ये चीज भी बहुत मायने रखती है आप इसको भी ध्यान में रखिएगा कंक्लूजन की बात करें तो पार्लियामेंट हैज अलाउड दीज रिस्ट्रिक्शन ओनली इन द पब्लिक इमरजेंसी है ना पार्लियामेंट ने तो यही बोला है कि पब्लिक इमरजेंसी में आप लगा सकते हैं या पब्लिक सेफ्टी को जब भी थ्रेट होगी तब आप इंटरनेट शटडाउन लगा सकते हैं लेकिन ये चीजें हो नहीं रही है है ना ये चीजें हो नहीं रही है तो अब क्या किया जा सकता है कंक्लूजन में कि और फेथफुल तरीके से और अपना जो इंटेंशन है उसको और फेथफुल तरीके से और प्योर तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दे रखी है कि गाइडलाइन दे रखी है कि एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को बेसिकली uh, uh, इस तरीके से करना चाहिए ठीक uh, है तो वो उसको और तरीके से हम लोग कंप्लाइज मतलब गवर्नमेंट को उसको फॉलो करना चाहिए ताकि जो हमारी जो कैपिटल है हमारी जो इंडिया है जिसको एक टैगलाइन एक, दिया गया है दैट इज द टैगलाइन ऑफ इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड तो इस टैगलाइन से दूर कर पाए इंडिया मतलब गवर्नमेंट जो है उसको उस टैगलाइन से दूर करे बिकॉज इट क्रिएट्स अ बैड इमेज ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑल्सो क्योंकि वो इन्वेस्ट तो तभी करेंगे ना जब उनको दिखेगा कि यहाँ पे ठीक है सब पोलिटिकल लेवल पे इकोनॉमिक सोशल इम्पैक्टफुल सारी चीज़ें ठीक हैं तो इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से और और गवर्नमेंट जो है ये जो टैगलाइन अपने को मिली हुई है दैट इज़ इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ इंडिया इसको साइड ट्रैक करके अपने को एक बेटर जो है प्रोस्पेक्ट की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है ताकि हम लोग जो अपना डिजिटल इंडिया का पोटेंशियल है उसको प्रॉपरली तरीके से फुलफिल कर पाए ठीक है सो so ये आ, आपका इंटरनेट शटडाउन का होल एस्पेक्ट था जो हमने कवर कर लिया सो so आज की क्लास में हमने एक मेंस का टॉपिक कंप्लीट किया है मेंस का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक आधा जो पॉइंट था जो प्रीलिम्स पर्स्पेक्टिव में इंपॉर्टेंट था तो आपका कोई भी सजेशन है कोई भी इंक्वायरी है आप कॉमेंट के अंदर डेफिनेटली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और थैंक यू